चूचू चार्ल्स बहुत सारे सीक्रेट्स और ईस्टर एग्स छोड़ के गया है फ्रॉम द पार्ट वन। अब पार्ट टू जब आएगा तब आएगा, लेकिन पार्ट वन में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और ऐसे ईस्टर एग्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं, लाइक गस द बस। आई नो बहुत लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया होगा कि आखिर ये है कौन, और डैम श्योर आपको कहीं नहीं मिला होगा कि असल में इसकी बैक स्टोरी क्या है या फिर ये चीज़ क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आज लेके आया हूँ कुछ थ्योरीज और कुछ डिटेल्स जो कि आपको हेल्प करेगी समझने में गस द बस की अपेयरेंस और एग्जिस्टेंस। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में, जहाँ पर आज हम फिर से बात करने वाले हैं चूचू चार्ल्स के बारे में, उसके सीक्वल के बारे में, और गस द बस एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो आपका लाइक चैनल सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। लेकिन इससे पहले बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स, एसियनस फैंस, डेथ स्ट्रोक, ग्रीक गॉड, लेथल, प्रीडेटर और हमारे डायमंड मेंबर आरएच ऑल इन वन पॉइंट रिहान। सो अगर आप भी चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो बहुत ईजी कर सकते हो चैनल पर देखे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लेना है क्या नहीं लेना है, इट्स ऑल अप टू यू, फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑल राइट देन, हम सभी ने चूचू चार्ल्स खेला है, देखा है, सुना है। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एक्सप्लेन करा है फुल स्टोरी और सम थ्योरीज भी जो कि आपको जाननी जरूरी है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको गेम प्ले देखना है तो गेम प्ले भी चैनल पे मौजूद है। सो हु इज गस द बस? हमें पता है चूचू चार्ल्स एक ऐसी एंटिटी है जो कि डीमन है, हाफ स्पाइडर और हाफ ट्रेन इंजन है। लेकिन गस द बस के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि जो इतनी डेंजरस एंटिटी है यानी कि चूचू चार्ल्स है, वो उससे डरता है। गेम के बीच में आपको एक नोट मिलता है रिटन बाय द चैट, जहाँ लिखा है बीवेयर द गस, बीवेयर द बस, हिज नेम इज गस, ही इज नॉट ऑन द आइलैंड दो, सो डोंट वरी टू मच, व्हेन यू गो बैक टू द मेनलैंड डोंट राइड द बस, गस द बस, ही इज बैड एंड फास्ट, चार्ल्स फियर्स गस। यहाँ पर आपको साफ सीधी बात ये चीज समझ में आती है कि जो गस है वो एक्चुअली एक बस है, जस्ट लाइक द ट्रेन। चूचू चार्ल्स भी एक स्पाइडर है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन के फॉर्म में है, वैसे ही गस भी है जो कि मे बी एक बस के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि वो एक्चुअली इस आइलैंड पे नहीं है, यानी कि आइलैंड ऑफ एरिनारम पे नहीं है, वो एक्चुअली मेनलैंड पे है, मेनलैंड जहाँ पर यूजीन जाने वाला था इस फाइट के बाद, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है सो वो अब नहीं जा पाया। जो हमारा मेन प्लेयर है वो मेनलैंड से आया था इस आइलैंड पे, लेकिन अब वो कहाँ पर है, मे बी वो जा चुका है या फिर नहीं गया है, वो तो हमें चैप्टर टू में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए गस द बस वो एक्चुअली इस आइलैंड पे नहीं है, लेकिन एक टाइम पर था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज नॉट ऑन द आइलैंड दो, सो डोंट वरी टू मच, यानी एक टाइम पर मे बी वो यहाँ पर हो सकता है। अब इस गेम में जब हमें चार्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाया है, गस द बस का हिंट दिया है, और हमें गेम में कई जगह पर कुछ घोस्ट भी दिखाए जाते हैं जो कि सीधा इशारा करते हैं स्लेंडरमैन पर। तो ये चीज़ हम ये देख सकते हैं, मे बी ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे मॉन्स्टर जिंदा हैं और मॉन्स्टर आम बात है यहाँ पर। दैट्स वाई हमें और यूजीन को, यानी जो मेन प्रोटैगनिस्ट था जो कि अब एक म्यूजियम चलाता है, वो एक्चुअली पहले वो एक मॉन्स्टर हंटर थे। ये बात भी कई जगह पर हमें बोलते हैं कि मॉन्स्टर हंटर आया है, और यूजीन भी बोलता है कि अब मुझ में वो बात नहीं है जो पहले थी जब हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके थे। तो ये चीज़ भी शो करती है कि ये दोनों पहले मॉन्स्टर हंटर थे, और वो क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस यूनिवर्स में कई सारे मॉन्स्टर्स जिंदा हैं, उन्हीं में से एक है चूचू चार्ल्स, अब जिसको मार दिया है। लेकिन उसके जो अंडे हैं वो ये दावा करते हैं कि मे बी वैसे ही कई सारे मॉन्स्टर हमें देखने को मिल सकते हैं चैप्टर टू में, यानी कि पार्ट टू में। वो सारे मॉन्स्टर्स एग हैं, लेकिन उनमें से क्या निकलता है वो हमें नहीं पता। गस द बस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट राइड द बस, यानी कि वो भी एक ऐसा डीमन है, लेकिन मे बी उसे समहाउ मेनलैंड में शिफ्ट कर दिया है, क्या पता उसे पकड़ लिया हो, ऐसा कुछ है। लेकिन ये है कि वो चार्ल्स से मे बी बहुत पहले आया होगा, दैट्स वाई चार्ल्स भी उससे डरता है। अब आप ये सोचो कि मकड़ियाँ किस चीज़ से ज़्यादा डरती हैं। अब चार्ल्स एक मकड़ी है, लेकिन वो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसको भी खौफ है गस द बस से। तो यानी मे बी जो बस है, आई डोंट नो कि वो किस मॉन्स्टर से मिलता जुलता होगा और किस मॉन्स्टर ने उसे पजेस किया होगा, वो हमें नहीं पता, और मे बी हमें दिखाया भी नहीं जाएगा, क्या पता दिखाया जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है।
लेकिन यहाँ पे एक हिंट दिया है तो मे बी इन फ्यूचर। फिलहाल यहाँ पे जो जिक्र मैं करने वाला हूँ वो है इन मॉन्स्टर्स एग का। क्या पता कि ये एग में सिर्फ चार्ल्स ही नहीं होंगे, स्पाइडर्स ही नहीं होंगे, क्या पता कि इसमें अलग अलग मॉन्स्टर्स होंगे, बिकॉज दीज आर द मॉन्स्टर्स एग। तो मे बी इसमें कौन कौन से खतरनाक मॉन्स्टर्स देखने को मिल सकते हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हो सकता है कि एक्चुअली गस द बस भी एक स्पाइडर होगा जिसने कि बस को पजेस किया होगा, जैसे कि चार्ल्स है। चार्ल्स एक्चुअली एक स्पाइडर है और उसने एक चार्ल्स नाम के इंजन को, लोगों को पजेस किया है। दैट्स वाई चार्ल्स उससे डरता है। जैसे कि आपने वेनम मूवी देखी होगी, वहां पर कई सारे वेनम एक दूसरे से डरते हैं, वैसे कुछ सीन यहाँ पर भी है। ये कुछ ऐसे एलियंस होंगे जिनके अंडे यहाँ पे गिरे हैं इस फर्नारम में, जिसकी वजह से कुछ अंडे फूट चुके हैं और उसमें से चार्ल्स जैसे स्पाइडर निकले हैं, और कुछ एग्स में से मे बी गस द बस निकला हो और चार्ल्स से पहले मे बी गस द बस इस पूरे आइलैंड पे राज करता हो, और क्या पता उसी के डर से चार्ल्स बाहर नहीं आता होगा और जब समहाउ गस द बस को मार दिया या फिर उसे बंदी बना के यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया मेनलैंड में, क्या पता वही म्यूजियम में जिस म्यूजियम को हम चलाते हैं। क्योंकि यूजीन हमें फ़ोन पे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें अपने म्यूजियम में रखनी चाहिए, याद होगा आपको। लेकिन उस समय वो जिक्र करता है चार्ल्स का, तो क्या पता उससे पहले यहाँ पर गस द बस होगा जिसके लिए हम ही यहाँ पर आए होंगे, और गस द बस को मारने के बाद उसे हमने मेनलैंड शिफ्ट किया होगा इन द म्यूजियम। लेकिन वो बहुत पहले की बात होगी, चार्ल्स का भी आपको पता है कि चार्ल्स भी अभी नहीं आया है, वो भी बहुत टाइम से है यहाँ पर, जब से यहाँ पर आदिमानव रहते थे उनके हाथ में भाला था तब से, लेकिन अब वो एक हाफ स्पाइडर और हाफ इंजन बन चुका था, अब उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जो अंडे रिवील होते हैं वो मे बी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे उसके अंदर, लेकिन वो कौन सी प्रजाति होगी, लाइक स्पाइडर होंगे या कुछ और काइंड ऑफ मॉन्स्टर होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन मे बी गस द बस भी एक हाफ स्पाइडर और हाफ बस होगा, हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि आइलैंड ऑफ एलनारम में हमें सिर्फ एक ही, फिलहाल के लिए एक ही बीस्ट मॉन्स्टर देखने को मिला है जो कि चार्ल्स है और वो एक स्पाइडर है। वहीं पर जो हमें स्टोन टैबलेट मिलता है वहां पर भी जिक्र हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर का ही। तो ये हो सकता है कि जिस तरह से चार्ल्स ने एक लोगों को पजेस किया है, क्या पता वैसे ही गस द बस भी एक ऐसा स्पाइडर होगा जो कि हाफ स्पाइडर और हाफ बस होगा। तो आपको क्या लगता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। बाकी पार्ट टू में क्या होने वाला है अभी तक कुछ भी हिंट नहीं मिला है, फिलहाल बस इतना है कि जो एग्स हमें रिवील हुए हैं मे बी उनमें से एक जो अंडा फूट रहा है उसमें जो हलचल हुई है उसके अंदर जो मॉन्स्टर बाहर निकलेगा वही मे बी एक मेन एंटागोनिस्ट होगा पार्ट टू का। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मे बी पार्ट टू भी आइलैंड ऑफ एरनारम में ही फोकस करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या पता आगे चल के और भी गस द बस से रिलेटेड नोट्स मिले जो कि अलग अलग लोगों ने लिखे होंगे, जो कि यहाँ के विलेजर्स हैं उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि गस द बस से आप ज़्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि ये सिर्फ हमें फिलहाल के लिए एक ही नोट मिला है जो कि चैट ने लिखा है, और बाकी उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है पूरे यूट्यूब में। लेकिन अब आपके पास बहुत सारी थ्योरीज हैं रिगार्डिंग गस द बस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको और कुछ जानना है रिगार्डिंग द अनदर गेम्स लाइक पॉपी प्ले टाइम, लिटिल नाइटमेयर्स या फिर ऐसे ही कुछ डार्क थ्योरीज वाले गेम FNF, वो सब कुछ हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो और मज़े ले सकते हो। जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन मैं विकी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मज़े करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।